What's up people? कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त हर्षित बलूटिया और आप हैं अपने चैनल हर्षित बलूटिया फिटनेस पे। Guys, आज का टॉपिक पहले टॉपिक से रिलेट करता है। आज का टॉपिक है कि हमें कैसे कीटोसिस में यानी कीटो डाइट में एंटर करना है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं और हम किस तरीके से इस डाइट के अंदर आ सकते हैं। तो गाइस, लेट्स गेट इनसाइड द वीडियो एंड चेक इट आउट। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी बॉडी का फ्यूल सोर्स चेंज करने वाले हैं, कि हम कैसे कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करने वाले हैं और कीटोसिस में आने वाले हैं। गाइस, होता क्या है, जब भी हम अपनी बॉडी का फ्यूल सोर्स चेंज करते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से रैपिड चेंज हो जाएगा, हमें उसको भी टाइम देना पड़ेगा। गाइस, क्योंकि ये डाइट और ये चीज मैं खुद पे फॉलो कर रहा हूँ और मैं दो दिन से इस चीज को फॉलो करता जा रहा हूँ और इस वीडियो, इस पूरी सीरीज के एंड में मैं आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाने वाला हूँ कि ठीक है, कैसे दो महीने में हम कीटो डाइट के थ्रू एक फैट लॉस पैटर्न को फॉलो करके बहुत अच्छा फैट लॉस कर सकते हैं। तो गाइस, मैं भी इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं ये आपको लाइव दिखाऊंगा और लाइव हम इस चीज को देखते रहेंगे। तो गाइस, होता क्या है कि जब हम अभी तक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपना, अभी तक मेरी डाइट थी लेट्स से एग्जांपल 2000 कैलोरीज और उसमें मैं रोटी सब्जी हर चीज खा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक से तीन दिन के बीच में मैंने अपनी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज कम करे और फैट सोर्सेज धीरे धीरे बढ़ाए। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने काम किया, मैंने अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करी जिसका नाम है Myfitnesspal। मैं उसका लिंक नीचे आपको शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि उस ऐप में हम अपने खाने की जो भी हम चीजें खाते हैं उसकी एंट्री करते हैं, उस पर एंट्री करने से हमें उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाती है, ताकि हमें पता रहता है कि हमने कितना कार्ब, कितना फैट और कितना प्रोटीन खाया। गाइस, वो देखना बहुत जरूरी है, बिना कैलकुलेशन के ये डाइट फॉलो नहीं हो सकती। गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरी कैलोरी 2000 कैलोरी है, तो मैं आपकी कैलोरी काउंट करने का कैलकुलेटर का लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, जहां पे अपनी डिटेल डाल के अपना कैलोरी इनटेक आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट आप प्लान कर सकते हैं। जैसे मेरा था 2000, तो मैंने अपनी कैलोरी कर दी 1800। अब मैं 1800 में अपना फैट बढ़ा रहा हूँ, कार्ब मिल कर रहा हूँ, प्रोटीन मॉडरेट रख के उस कैलोरी को 1800 पूरा कर रहा हूँ, ताकि मेरी बॉडी में सफिशियंट कैलोरीज बनी रहे और मैं वीकनेस में ना जाऊँ। तो गाइस, मैं यही कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अपनी 2000 कैलोरीज एग्जाम्पल में से मैंने अपनी कार्ब सोर्स धीरे धीरे कम करी, जो मैं खाता हूँ मैंने उसमें एंटर करा, धीरे धीरे मैंने वो चीज़ें अवॉइड करी और धीरे धीरे फैट बढ़ाने लगा। तो क्या हुआ कि मैं कार्ब धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, फैट धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, ताकि मेरी बॉडी को एकदम से फैट में ना जाना पड़े, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू फैट अडेप्टेशन में जाए। गाइस, जब मैं प्रॉपर फैट इनटेक में आ जाऊंगा, उसके बाद मेरी बॉडी ये नहीं कि तुरंत कीटोन बनाने शुरू कर देगी, नहीं, वो टाइम लेगी, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन। गाइस, जब मैं प्रॉपर एक कीटो डाइट फॉलो करूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि प्रॉपर कीटो डाइट का पैटर्न क्या है, जब मैं उस डाइट को फॉलो करूंगा जिसमें प्रॉपर फैट का न्यूट्रिशन वैल्यू कितना होना चाहिए, प्रोटीन का न्यूट्रिशन वैल्यू कितना होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट का न्यूट्रिशन वैल्यू कितना होना चाहिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम सिर्फ एक प्रोसेस शेयर कर रहे हैं। तो गाइस, मैं ये कह रहा था कि एकदम से हमारी बॉडी कीटोज बनाना शुरू नहीं करती है, तो वो कीटो डाइट में प्रॉपर फॉलो करने के बाद से हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन 10 दिन हफ्ता भर ले आपकी बॉडीज में कीटोन्स बनने में, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वहीं पे हमें उसको रोकना होता है। और किसी का 2 दिन में बन जाएगा, किसी का 1 हफ्ते में कीटोन्स बनना शुरू होगा, और उसको टेस्ट करने के लिए भी एक टेस्टिंग फेज है, मैं नीचे बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप जाके वहाँ टेस्टिंग स्ट्रिप खरीद सकते हैं और स्ट्रिप के थ्रू आप अपनी बॉडी में कीटोन लेवल चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कीटोन्स बना रही या नहीं, तो वो स्ट्रिप से आप वो भी चेक कर सकते हैं। और गाइस, सबसे बड़ी बात, इस डाइट में आप फैट बढ़ाएंगे और कार्ब कम करते जाएंगे, तो प्लीज बिल्कुल भी डरिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि फैट बढ़ रहा है हम मोटे हो रहे हैं या कहीं हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे, नहीं गाइस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं लाइव खुद पे भी कर रहा हूँ, आप मुझे देखते रहेंगे, मैं अपने लाइव फीडबैक्स आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देता रहूंगा, डू फॉलो मी देयर, आप एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको डेली डेली अपडेट्स मिलते रहे। मैंने अभी अपडेट करना शुरू नहीं करा है, मैं कल से उसमें अपडेट करना शुरू करने वाला हूँ। तो गाइस, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि फैट से आप मोटे हो रहे हैं, कार्ब कम कर रहे हैं तो आपको वीकनेस हो रही है। आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे शेयर करिए, आप कमेंट करिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा और बहुत ही सेफ और इफेक्टिव वे से हम फैट लॉस करने वाले हैं। तो गाइस, ये है कीटो डाइट में एंटर करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर कीटो डाइट का न्यूट्रिशन वैल्यू शो करने वाला हूँ कि फैट परसेंटेज, कार्ब परसेंटेज, प्रोटीन परसेंटेज कितना होना चाहिए, डाइट के रेशियो क्या होना चाहिए, 3 डाइट हम दिन की खा रहे हैं तो किस तरह से खानी चाहिए, डाइट में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब मैं इसके बाद वाले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और प्लीज अपने सारे के सारे कमेंट्स, अपने सारे के सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में प्लीज डालें, ताकि मैं आपके क्वेश्चनों के जवाब दे सकूं और आपको हेल्प कर सकूं, ताकि आप इस प्रोसेस में बहुत जल्दी आगे बढ़ें। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।